हवस के इस दौर में मोहब्बत कुछ ऐसे करनी है, हवस के इस दौर में मोहब्बत कुछ ऐसे करनी है, तुझे छूना है पहली बार जब तेरी मांग भरनी है। अभी अभी वैलेंटाइन डे गया पीछे, करीब दो हफ्ते ही हुए हैं, और मैं वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट नहीं करता क्योंकि मैं मैरिड हूँ। तो जो सेलिब्रेट करते हैं सभी, आप सभी कॉलेज में गए होंगे, और जब कॉलेज में आते हैं तो जाहिर सी बात है सभी को कोई ना कोई पसंद तो आता ही है। तो जब आप पहली बार किसी को देखते हो तो आपके मन में जो फीलिंग आती है वो कुछ ऐसी होती है। देखा है तुझको जब से हाय मैं तो हिल गया, लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया, मम्मी से क्या डैडी से भी मिलाऊंगा तुझे, अरे जो भी मैं कहूं तुझे लगता है क्यों गलत पलट, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है, तो पलटना तुझे इतनी भी खबर है कि तेरा हीरो इधर है। धीरे धीरे स्टोरी आगे बढ़ती है, मुलाकातें होती हैं, प्यार और बढ़ता है, हम खुद को जबाइने में देखते हैं तो हम बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं पहले के मुकाबले प्यार होने के बाद। ये आपने नोट किया होगा, तो उसको कुछ उसकी फीलिंग कैसी होती है अपने आप के बारे में जब हम आईने में देखते हैं। तो तुझसे मिलके दिल को ये यकीन हो गया, आईने में सबसे मैं हसी हो गया, तू निगाह फेरे तो लगे यूं मुझे, मुझसे खूबसूरत हर कोई हो गया। फिर मुलाकातें और ज़्यादा होती हैं तो फीलिंग्स कुछ ऐसी होती हैं, बस थोड़ा दो ही लाने दो। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, बस झगड़े भी होते हैं थोड़े थोड़े, मनमुटाव होता है थोड़ा बहुत, ब्रेक वगैरह भी होता है, तो उस टाइम अपनी फीलिंग क्या होती है। चलते हैं पीछे 90s में। अब तेरे बिन जी लेंगे हम, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, क्या हुआ जो एक दिल टूट गया, क्या हुआ जो एक दिल टूट गया, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। तो ये गाना बहुत फेवरेट फेमस भी है, आपने सुना भी होगा, यूट्यूब पे देखा भी होगा, जब कोई चीट कर देता है तो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ठीक है, और बस छोटा था ये वीडियो, इसके अलावा थोड़ी दो लाइन में बोल सकता हूँ अगर परमिशन है तो। एक शायरी है, और आपने सुना होगा कि आशिकी लोगों को बिगाड़ देती है, लेकिन अगर हम एग्जाम्पल सुने दो, 90s के दौर में फिल्म आई थी आशिकी, जिन्होंने कुमार सानू जी को बहुत फेमस कर दिया था, आप सभी जानते ही होंगे, और 2013 में आई थी आशिकी 2, तो आपको पता ही है, पता नहीं जरूरत नहीं है। तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ अरिजीत सिंह का, तो थोड़ा गुनगुना लेते हैं उनके गाने, दो लाइनें उनमें से कुछ और है। तो ये जो लाइनें हैं बेसिकली मेरी वाइफ के लिए है, और मैं सबसे ज़्यादा परिवार जो अपनी फैमिली करता हूँ, तो उसमें मेरी वाइफ है, मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है। और जो ये वीडियो में मैंने बोला है, जो भी ऐसा कोई फीलिंग नहीं कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी या छोटी चली गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, ये सब एंटरटेनमेंट के लिए है, ठीक है। सो ऐसी कोई बात नहीं है, हम अपने एक दूसरे को समझते हैं, मेरी वाइफ, तो मैंने खुद उनको बोला भी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ आज, और सभी, और ये
ऐसी कोई बात नहीं है। तो दिल को मैंने दी कसम, दिल को मैंने दी कसम, न धड़के तेरे बिना। दिल को मैंने दी कसम, न धड़के तेरे बिना। धड़के तो सारी जिंदगी, धड़के तो सारी जिंदगी, ये तड़पे तेरे बिना। दिल को मैंने दी कसम। हवस के इस दौर में मोहब्बत कुछ ऐसे करनी है। हवस के इस दौर में मोहब्बत कुछ ऐसे करनी है। तुझे छूना है पहली बार जब तेरी मांग भरनी है। Thank you.